Hey guys, welcome back my YouTube channel. Guys, आज की इस वीडियो में हम मीवी के इस नए TWS Bluetooth की अनबॉक्सिंग करने वाले हैं और आपको बताने वाले हैं कि इसमें आपको क्या अच्छी चीजें मिलती है और क्या बुरी चीजें देखने के लिए मिलती है। गाइस, आप इस वीडियो को लास्ट तक वॉच कीजिएगा क्योंकि इस वीडियो में आपको जो चीज बताने वाला हूं वो अभी तक किसी ने भी नहीं बताई है। गाइस, अगर आप इसको बाय करते हैं, खरीदते हैं, तो आपको क्या क्या चीज इसमें फेस करनी पड़ सकती है वो इस वीडियो में आपको बताऊंगा और क्या चीजें आपको इसमें अच्छी मिलती है वो भी इस वीडियो में आपको बताऊंगा। तो बने रहिए वीडियो में, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं छोटी सी अनबॉक्सिंग करते हैं, उसके बाद में मेन टॉपिक पर मैं वापस आ जाता हूं। तो गाइस, ये बॉक्स आपको मिलता है, मीवी रिपोर्ट सामने मिल जाता है, पीछे की तरफ इसके जो फीचर्स है वो लिखा मिल जाता है, जैसे कि HD स्टूडियो साउंड, इंस्टेंट ब्लूटूथ पेयरिंग, यहां पर आपको फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट मिल जाता है, 10mm के ड्राइवर्स मिल जाते हैं, साथ में IPX4 का वाटरप्रूफ रेजिस्टेंस मिल जाता है, यही कुछ लिखा मिल रहा है। आगे चलते हैं, अनबॉक्सिंग करते हैं। अनबॉक्सिंग करने के बाद में मैं आपको बता देता हूं इसमें आपको क्या क्या देखने के लिए मिलता है। तो गाइस, ये बॉक्स आपको मिलेगा ओपन करने के बाद में, यहां पर आपको कुछ गाइड मिलेगी जिसमें कि आपको एक तो थैंक यू कार्ड मिलेगा, दूसरा आपको मैनुअल मिलेगा, तीसरा आपको जो वारंटी कार्ड है वो मिलेगा, आपको कैसे इसको आपको वारंटी कैसे चालू करनी है वो इस पे सब लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। तो गाइस, ये बॉक्स हमारे पास में आता है, आप देख सकते हैं ऐसे अनबॉक्सिंग आपके सामने आएगी। तो मैं इसको मीवी के बाहर निकाल लेता हूं केस को, यहां पर आपको और यहां पर आपको केबल मिलेगी, साथ में आपको जो ईयर टिप्स मिलते हैं वो आपको फ्री इसमें देखने के लिए मिलेंगे। मैं सारा कुछ नहीं बताऊंगा आपको क्योंकि बहुत सारी वीडियोस पहले अपलोड हो चुकी है, बस मैं ये बताऊंगा कि मेरा एक्सपीरियंस इसके साथ में कैसा रहा है, क्या क्या चीज मुझे इसमें फेस करनी पड़ी है। तो गाइस, एक तो आपको केबल मिल जाएगी, दूसरा आपको ईयर टिप्स मिल जाएगा। इसको आप साइड में रखते हैं, बात करते हैं इसकी जो कि मेन ब्लूटूथ हमारे पास में आता है। तो गाइस, फाइनली मेरे पास में आ चुका है ये केस जिसके अंदर आपको ब्लूटूथ देखने के मिलते हैं। तो गाइस, हम स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो, मैं आपको बताता हूं कि इसके अंदर आपको क्या क्या चीजें फेस करनी पड़ेगी, क्या क्या चीजें आपको अच्छी मिलेगी। सबसे पहले बात करते हैं हम केस की। तो गाइस, यहां पर आपको काफी लाइट वेट, काफी हैंडी फील वाला केस देखने मिल जाता है जिसको कि आप इजिली अपने हाथ में कैरी कर सकते हैं, कहीं भी इसको ले जा सकते हैं। तो गाइस, ये चीज आपको काफी अच्छी मिल जाती है। जो फिनिश है वो भी आपको काफी अच्छी यहां पर देखने मिल जाती है, मेट फिनिश मिलती है जो कि काफी बढ़िया है। अगर आपके हाथ के निशान बनते हैं तो गाइस उससे वो नहीं बनेंगे, मेट फिनिश इसलिए, तो स्क्रेचेस वगैरह भी काफी कम आपको देखने को मिलेंगे। तो गाइस, ये तो आपको काफी अच्छी मिल जाती है, लेकिन गाइस जिसकी क्वालिटी है, मतलब कि जो बिल्ड है, वो आपको बिल्कुल ही कमजोर देखने को मिलता है। बिल्ड मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया है। मैं 100 में से 80% चांस बताऊंगा कि एक बार अगर ये गिर जाता है ना तो टूट जाएगा, क्योंकि बहुत ही लाइट वेट एंड बहुत ही कम बिल्ड वाली प्रोडक्ट यहाँ पर आपको मिल रहा है। डिज़ाइन भले ही अच्छी हो, फिनिश भले ही अच्छी हो, लेकिन जो क्वालिटी है, जो बिल्ड है ना, वो आपको काफ़ी नॉर्मल सा देखने को मिल जाता है। एक बार गिरने से 100 में से 80% चांस है कि ये टूट जाएगा। गाइस, अंदर की बात करते हैं, अंदर आपको बर्ड्स देखने मिलेंगे जो कि आपको इजिली मिलते ही हैं। यहाँ पर आपको बर्ड्स मिलेंगे, यहाँ पर आपको LED कुछ लाइट्स मिलेगी जिससे कि आपको पता चलता रहेगा जो हमारा केस है वो कितना चार्ज है, कितना चार्ज नहीं है, वो यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगा। साथ में गाइस बर्ड्स मिल जाती है, मैं निकालता हूँ बर्ड्स, आपको बताता हूँ बर्ड्स में आपको क्या क्या देखने के लिए मिलता है। तो गाइस, केस की बात हो चुकी है, केस मुझे पर्सनली पसंद नहीं आया है, अगर एक बार गिरेगा तो 100 में से 80% चांस है कि टूट जाएगा। बात करें अगर बर्ड्स की, तो गाइस बर्ड्स आपको काफ़ी अच्छी मिल जाती है। दो यहाँ पर आपको कलर मिलते हैं जिसमें कि एक यहाँ पर आपको ऊपर की तरफ तो ग्लोसी फिनिश मिल जाती है, इधर आपको मेट फिनिश देखने मिल जाती है, ब्लैक कलर में ही आपको देखने मिलते हैं। यहाँ पर आपको नोटिफिकेशन के लिए LED लाइट भी देखने मिल जाती है, जब भी आप इसको पेयर करोगे तो LED लाइट आपको पता चल जाएगा कि ये ऑन है या ऑफ है। इस तरफ आपको 10mm के ड्राइवर्स मिल जाते हैं जिससे कि जो साउंड है वो काफ़ी बढ़िया आपको देखने के लिए मिलेंगे, काफ़ी अच्छे साउंड आपको यहाँ पर देखने मिलेंगे। गाइस, मैंने इसकी साउंड क्वालिटी टेस्ट की है, मुझे जो बेस है वो काफ़ी क्लियर आया है, क्या गजब की इसकी साउंड क्वालिटी मिलती है। अगर आप ज़्यादा बेस सुनना पसंद करते हैं तो आपके लिए काफ़ी बेस्ट प्रोडक्ट है, अगर आप ट्रेवल ज़्यादा सुनना पसंद करते हैं, बेस कम सुनना पसंद करते हैं, तो आपके लिए नहीं है, क्योंकि इसके अंदर आपको साउंड क्वालिटी में बेस ज़्यादा देखने मिलता है। ओवरऑल प्राइस के हिसाब से काफ़ी गजब की साउंड क्वालिटी यहाँ पर आपको मिलती है, अगर आप साउंड क्वालिटी के लेना चाहते हैं तो गाइस आराम से इसको ले सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं गाइस, मुझे जो बर्ड्स के अंदर अच्छा नहीं लगा है वो है इसका टच कंट्रोल। गाइस, टच कंट्रोल बहुत ही धीमा काम करता है, एक्यूरेटली काम नहीं करता है, थोड़ा डिले करके काम करता है, मतलब कि थोड़ा टाइम लगता है होने में, जैसे मैं दबाऊंगा तो थोड़ा टाइम लेके फिर बाद में वो वर्क करता है। तो गाइस, ये आपको इसमें फेस करना पड़ सकता है। नेक्स्ट बात करते हैं गाइस, यहाँ पर आपको ब्लूटूथ 5.0 का सपोर्ट मिलता है, तो जैसे ही आप इसको कनेक्ट करोगे तो उसमें भी आपको थोड़ा बहुत डिले देखने के लिए मिलता है, थोड़ा बहुत टाइम लेके कनेक्ट होता है अपने स्मार्टफोन से। तो गाइस, वो भी डिपेंड करता है आपके स्मार्टफोन पर कि कौन सा स्मार्टफोन है, उसके हिसाब से ये कनेक्ट हो जाता है। गाइस, नेक्स्ट बात करते हैं प्रोटेक्शन की, तो प्रोटेक्शन में आपको IPX4 का वाटरप्रूफ रेजिस्टेंस देखने मिल जाता है, जिम के लिए आप इसको आराम से यूज़ कर सकते हैं, कहीं भी जाओ आराम से यूज़ कर सकते हैं। अब गाइस, ये हमने सारी बातें इसमें कर ली है, बैटरी बैकअप का आपको पता है, 42 घंटे का आपको बैटरी बैकअप इसमें देखने के लिए मिलता है। अब बात हो गई सारी ब्लूटूथ की, अब मैं बात करता हूँ कि इसके अंदर आपको क्या क्या चीज़ अच्छी मिलती है, क्या आपको बुरी मिलती है।
तो गाइस यहाँ पर आपको साउंड क्वालिटी तो काफ़ी अच्छी देखने मिल जाती है, बैटरी बैकअप आपको काफ़ी अच्छा मिल जाता है। लेकिन दो चीज़ें इसके अंदर ऐसी है जो कि मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आई है, दो से तीन चीज़ें। पहला तो है इसका केस, जो कि बिल्ड क्वालिटी के मामले में बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। एक बार गिरेगा 100 में से 80% चांस है कि टूट जाएगा। तो गाइस ये मुझे अच्छा नहीं लगा है। सेकेंड बात मुझे अच्छी नहीं लगी है इसकी जो टच सेंसिटिव है वो, मतलब कि जैसे हम टच करते हैं तो कुछ देर बाद में रिएक्ट होता है, कुछ देर बाद में वर्क करता है। तो गाइस ये भी आपको काफ़ी धीमा देखने मिल जाता है। लास्ट एंड फाइनल जो इसमें दिक्कत है वो इसमें ये है कि मान लो कि आपने अपने फोन से इसको कनेक्ट करके सॉन्ग सुन रहे हो, तो सॉन्ग सुनने के बाद में जैसे ही आपने बर्ड्स को अपने केस में वापस डाल दिए, ये फुली तरीके से चार्ज हो जाते हैं। लेकिन आपने देखा होगा कि कई बर्ड्स ऐसे होते हैं जिसमें कि आप दोनों ब्लूटूथ को अपने केस में डाल के रखते हो, फिर ये आपके फ़ोन से ऑटोमेटिकली से डिस्कनेक्ट हो जाता है। लेकिन यहाँ पर आपको ऐसा नहीं मिलता है। जब भी आप सॉन्ग सुन रहे होंगे, अपने जो दोनों बर्ड्स है उसको विदाउट डिस्कनेक्ट किए अगर आप इसको केस में डाल देते हो, तो फिर भी ये केस के अंदर भी अपने फ़ोन से कनेक्ट होकर रखेंगे। अगर ये फुली तरीके से चार्ज नहीं होते हैं तब तो नहीं होंगे, लेकिन जैसे ही अंदर पड़े पड़े फुली चार्ज हो जाते हैं तो ये से आपके फोन से कनेक्ट हो जाएंगे और जो भी आप वर्क करोगे तो गाइस इसके अंदर आपको सॉन्ग सुनने के लिए मिलेगा। मतलब कि डिस्कनेक्ट करने के बाद भी, केस में डालने के बाद भी आपके फोन से ये कनेक्ट रहता है, जो कि मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया है। अगर मान लो कि मैं कुछ ऐसा काम कर रहा हूं जो कि ज्यादा बिजी वाला काम है, तो गाइस जैसे ही मैं निकालूंगा, अंदर डालूंगा, रखूंगा, तो ये ऑटोमेटिक से वापस से मेरे फोन से कनेक्ट हो जाएगा, जो कि मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया है। बाकी ओवरऑल साउंड क्वालिटी के मामले में काफी अच्छा प्रोडक्ट है। अगर आप लेना चाहते हैं तो 1000 के प्राइस में आपको काफी अच्छा ये प्रोडक्ट देखने के लिए मिलेगा। मैं 50-50% आपको बताऊंगा कि आप ले भी सकते हैं, नहीं भी ले सकते हैं। ले इसलिए सकते हैं क्योंकि इसमें आपको साउंड क्वालिटी अच्छी मिल जाती है, साथ में ही आपको जो बैटरी बैकअप है वो भी काफ़ी बड़ा देखने मिल जाता है। और नहीं लेना इसलिए है कि अगर आपको इसने जो भी दिक्कतें मैंने आपको बताई है वो आपको नहीं चाहिए तो गाइस आप इसको नहीं ले। दोनों ही चीज़ें मैंने आपको बता दी है। तो गाइस ये थी एक छोटी सी वीडियो, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल की घंटी प्रेस करना, ताकि ऐसी ही वीडियो आपको आगे भी मिलते रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।